नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त लोकल जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद है नेताजी वाव पार्क वार्ड नंबर 141 में, जहाँ राजा भाई की सरपरस्ती में एक ब्लड डोनेशन कैंप TMC यूथ के कांग्रेस की जानिब से किया जा रहा है। और हमारे बीच खालिद मुल्ला साहब जो MLA है मध्य बुर्ज कॉन्स्टिट्यूंसी के, सर इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सर इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे 141 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस यूथ के जरिए से और जानिब से और हमारे यहाँ के यूथ लीडर राजा भाई और सबीर के जानिब से ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का इंतज़ाम किया गया है, चालू हो रहा है, ये बहुत ही अहम काम है, बहुत ही अच्छा काम है। पब्लिक को बहुत ही खून का ज़रूरत है, ब्लड का ज़रूरत है, और इसके लिए घर घर ब्लड डोनेशन कैंप अगर नहीं होगा तो ब्लड आएगा कहाँ से। इसलिए ये जो काम हो रहा है बहुत ही महत्व काम हो रहा है, और इसलिए हम इन लोगों को अपने तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। सर जिस तरह से देखा गया है कि CM ममता बनर्जी COVID-19 में 2 साल लगातार ब्लड को लेकर जिस तरह से कमी हुई है, सर पूरा दुनिया परेशान था सर, और ब्लड एक ऐसी चीज़ है इंसान के जिस्म के लिए, सर बगैर ब्लड के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, तो सर क्या लगता है सर के ब्लड इंसान के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए CM ममता बनर्जी का जो निर्देश है उस पर काम कर रहे हैं सर आप लोग? हाँ, ममता बनर्जी का जो निर्देश है, हम लोग हर वार्ड में, हर जगह, हर ब्लॉक में हम लोग को ब्लड डोनेशन कैंप करने के लिए बोला गया है, और हमारा ममता बनर्जी के निर्देश में हम लोग ये काम कर रहा है। सर क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप है, जरूर गरीब और मजदूर बेसहारा लोगों के लिए, जो गरीब है जो ब्लड नहीं खरीद सकते सर, उनके लिए एक बहुत बड़ा आजमाइश का वक्त रहता है सर, उसके लिए जो काम करते हैं आप लोग? ब्लड की बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए, हमारा जो मरीज हर अस्पताल में पड़ उन लोग का इलाज हो रहा, और इलाज के लिए खून का बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। सर ऐसा बोला जाता है कि एक यूनिट ब्लड से तकरीबन 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो ये कितना अहम काम देख रहे हैं सर जो शेख राजा गुलाम मुस्तफ़ा जी जो करवा रहे हैं अपने वार्ड 141 नंबर में? बहुत ही अहम काम है, इन लोग कर रहा है, इन लोग को हम तहजी से मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा देखा गया सर, अभी 2 दिन पहले देखा गया सर, डेंगू और मलेरिया को लेकर जिस तरह से मेयर फिराद हकीम कलकत्ता में नहीं पूरे बंगाल में काम कर रहे हैं सर, खालिद मुल्ला चूँकि MLA है मध्य बुर्ज कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? हमारा मेयर जो है फिराद हकीम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ साथ हमारा MP अभिषेक बनर्जी और हमारे CM ममता बनर्जी, ये सब हम लोग एक साथ मिल के हम लोग इस बारे में काम कर रहा है। सर देखा गया है कि एजुकेशन, हेल्थ और हाइजीन पे ममता बनर्जी बहुत काम कर रही है, और जिसको देखकर पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड, और उनको यूनेस्को अवार्ड भी दिया गया सर, इसके बारे में खालिद मुल्ला साहब क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारा ममता बनर्जी यहाँ सेहत के मामले में नहीं, तालीम के मामले में भी हर मामले में वो काम कर रही है, और जिसके लिए यूनिसेफ में उनको अवार्ड मिला है। सर देखा गया है कि बंगाल एक ऐसा सरजमीन है, और CM ममता बनर्जी ने बंगाल को दुनिया के उस नक्शे में लाकर छोड़ दिया है जो यूनेस्को अवार्ड के नाम से जाना जाता है, और पूरा देश जो है बंगाल पे फख्र कर रहा है सर, प्राउड कर रहा है, क्या कहना चाहेगा अब्दुल खालिक मुल्ला MLA की हैसियत से? नहीं, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और इसके बारे में और ज़्यादा कहना नहीं है, ये काम बहुत ही अच्छा काम है। शेख राजा साहब आज खालिद मुल्ला साहब आए सर, क्या कहना चाहेंगे, इनके निर्देश में आप लोग काम कर रहे हैं? हम खालिद मुल्ला साहब का निर्देश में हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा, हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी उनको कहना है ब्लड डोनेशन कैंप करने बोला, और मैंने पब्लिक का साथ रहो, जनगण पब्लिक का जो भला हो वही काम हम लोग को करने का निर्देश दिया। हम लोग हादी साहब है खालिद मुल्ला साहब, उनका नेतृत्व में हम लोग सब आगे बढ़ रहा काम कर रहे। सर आज के जे शेख राजा जो अनुष्ठान कर ब्लड डोनेशन कैंप से संबंधे की बोलते चाहबें? শুনেন এই এলাকায় একটা বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে, এর আগে এরকম কোনো দিন হয়নি, রাজা অন্তত বহু প্রচেষ্টা করার পরে এই রক্তদান শিবির স্থানটা তৈরি করেছে, অতএব আমরা চাইব ওনার মতন ছেলেকে আরও উদ্যোগী হয়ে আরও ভালো ভালো কাজ করার জন্য। আর ইহাঁ পর আমার মৌজুদ হ্যাঁ মশহুর সমাজি খিদমতগার শেখ রাজা ভাই, আর ও হমেশা জমিনী সতহ সে लोगों के बीच ज़रूरत के हिसाब से काम करते रहते हैं, आज इन्होंने ब्लड बैंक का एहतमाम किया है, आइए इनसे बात करेंगे। राजा भाई क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन जो कैंप हम लोग किया है, हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी का आदेश भी है जो आदमी के साथ रहिए, आदमी का भला कीजिए, तो हम लोग वही ब्लड डोनेशन कैम्प कर रहा है, अभी एक ब्लड देने से बहुत आदमी का भला होता है, अच्छा होता है, और हम लोग का ब्लड जो है
बहुत काम आता है पेशेंट का। ब्लड के लिए बहुत आदमी मर भी जा सकता है। ये ब्लड एक आदमी का प्राण बचाता है। ये आदमी ब्लड दे के हम लोग हाजी अब्दुल मुल्ला खालिक मुल्ला है MLA साहब, उनका हम लोग नेतृत्व में हम लोग सब है। हम लोग ये चीज़ उद्योग लेके सब है। हम लोग जितना हम लोग सब भाई है सब संघ में मिल के हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप का उद्योग लिया, उद्योग कर रहा हम लोग सब है। नानूदा है, शमशे भाई है, लाल चांद है, बड़का है, साबिर है, हम लोग जो प्रेसिडेंट है अभी उनका सब हम लोग सब मिल के उद्योग लेके बना रहा है। तो ब्लड डोनेशन कैंप का उद्योग लिया, ये पहली बार हम लोग ये किया। इसका आगे बहुत समस्या कपड़ा वस्त्र वितरण ये सब हम लोग किया, मगर ये पहली बार हम लोग कर रहा, हमको बहुत अच्छा लग रहा। सब मिलके सब भाई मिलके हम लोग साथ में है, और हम लोग का नेत्री जो है ममता बनर्जी उनका भी आदेश है ब्लड डोनेशन कैंप करने, तो हम लोग सब कर रहे इसीलिए चाहते हैं पब्लिक का भला हो, आदमी का काम आए। एक तो बहुत सब पेशेंट होता है थैलेसेमिया पेशेंट, ये लोग को तो ब्लड हर टाइम लगता है, तो इसीलिए यही सब किसी का काम आएगा। सब पेशेंट जो देगा ब्लड तो सबका काम आएगा, इसीलिए हम लोग यही प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है राजा भाई, आप वार्ड नंबर 140 में यंग यूथ को लेकर काम कर रहे हैं, CM ममता बनर्जी के निर्देश पे अमल कर रहे हैं, अब्दुल खालिक मुल्ला के निर्देश पे अमल कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं सर? गरीबों की मदद करके ये इंसानियत का भी काम है, खून देना, दूसरों की जान बचाना, ये तो बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा लगता है आदमी का बाजू मान कोई किसी के पास में खड़ा होने से अच्छा है, कोई गरीब आदमी का साथ में खड़ा हो। तो हम लोग का नेत्री भी बोलता है सब आदमी का साथ खड़ा रहो, सबका साथ रहो, तभी सब। आज कितने लोग देंगे राजा भाई, ये बताइए? आज हम लोग मोटामोटी 100 का ऊपर ही हम लोग का ये करके रखा है। इसमें मर्द भी है और महिला सब, भी है। हाँ, औरत मर्द सब है, सब मिल के देगा। सब हम लोग को नाम लिखाया, सब आया भी है, सब उद्योग देखिए, सब पूरा भीड़ है। आज देख रहे हैं, हाँ, भीड़ है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? और आने जाने बहुत अच्छा है। आने वाले दिन में क्या करने वाले हैं आप? हम लोग चाह रहा है यही हर साल हम लोग ये चीज़ करें, ब्लड डोनेट करने का ये कैंप ये पहले बार शुरू किया। हम लोग का इरादा है आगे भी चल के आर भी करने का, ब्लड डोनेट करने का, जो आर भी सब पब्लिक का साथ हम लोग के साथ है, पब्लिक हम लोग अब हम लोग के संग में है, तो इसीलिए हम लोग चाह रहा आर भी आगे हर साल इटों को हम लोग जारी रखने का कोशिश करेगा। शमशेर भाई क्या कहना चाहेंगे राजा भाई, जिस तरह से जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं और आप भी इनके साथ रहते हैं साथ साथ? देखिए, सबसे पहले 2011 में ममता बनर्जी वामफ्रंट को हरा करके पश्चिम बंगाल में आई और वार्ड नंबर 141 में भारी मार्जिन से वो जीतती भी हैं। और इस दफ़ा पहली दफ़ा है हम लोग का वार्ड 141 में कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यूथ कमेटी के जानिब से नेताजी पार्क के पास आज गुलाम मुस्तफ़ा मुल्ला उर्फ राजा भाई की क्यादत में और हमारे वार्ड नंबर 141 के यूथ प्रेसिडेंट जनाब साबिर साहब और इंटायर पूरा टीम, खास करके हम बोलना चाहेंगे बड़कादा जहांगीर भाई, लाल चंद, वसीम भाई, इरफान, सोना, आरिफ, जितने भी मेरे लोग हैं, यहाँ लेडीज़ है हमारी माला दी, उनका पूरा टीम मिल करके, फरीदा बाजी, सकीला बाजी, पूरा टीम मिल करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और अभी इस प्रोग्राम का इनोग्रेशन हमारे हरदी अजीज़ MLA हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब 9:30 बजे करके गए हैं और अभी आप देख रहे कितना तादाद में लोग खून दे रहे हैं। अभी हमारे बोरो 15 के चेयरमैन जनाब रंजीत सिंह यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं, वार्ड नंबर 140 के काउंसिलर अबू तारिक मुल्ला साहब आने वाले हैं, वार्ड नंबर 139 के काउंसिलर बच्चूदा आने वाले हैं और हमारे नदियाल थाना से और राजा बगान थाना के OC गेस्ट आने वाले हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये हो गया शमशेर भाई, हाँ। जिस तरह से शेख राजा जो काम कर रहा है वार्ड नंबर 141 में, गरीब के बच्चों को स्कूल का किताब हो, ज़रूरतमंद गरीब की शादी की बच्ची की शादी हो या बेवा को मिस्किन को जो भी ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेगा शमशेर? देखिए, गुलाम मुस्तफ़ा मुल्ला उर्फ राजा भाई के क़्यादत में, मतलब जब से ये पार्टी ज्वाइन किए हमारे वार्ड प्रेसिडेंट जनाब खुर्शीद भाई के रहनुमाई में और हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब की क़्यादत में, उस वक्त से हम लोग का वार्ड और मतलब शक्तिशाली बन गया है। अभी आप दो प्रोग्राम इससे पहले देखे हैं कि हम लोगों ने कंबल बांटा, हम लोगों ने ईद के मौके में साड़ी कपड़ा बांटा और सिर्फ ये मतलब इसी इलाके में नहीं, इंटायर वार्ड नंबर 141 के साथ गार्डन रिज में भी काम करते हैं। मेरा भी एक NGO है बदरतल्ला KGN पीपल सोसाइटी, उसका भी जब प्रोग्राम होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अभी अपना क्लब एक ब्लड डोनेशन कैंप कराया था 12 नंबर स्टैंड में, उसमें भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उस प्रोग्राम को कामयाब किया था। तो इनके अंदर खिदमत खल करने का एक जज्बा है, ये हर तरह से कोई भी इनका दरवाजा पे आएगा खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। साबिर साहब क्या कहना चाहेंगे आप ब्लॉक प्रेसिडेंट के राजा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को सलाम अलैकुम और सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हम लोगों के ब्लड कैंप में आए
आप लोग सभी का शुक्रिया। और राजा भाई के बारे में मतलब जो बातें बोलूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि देखिए राजा भाई एक ऐसे आदमी हैं, हम लोग आज से नहीं, हम लोग बचपना से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसे नहीं कि दो चार दिनों की बात है, बचपना से जुड़े। जब भी जिनको भी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ती है तो राजा भाई वो पहला मतलब पहला शख्स है या पहला नाम बोलिए जो हमेशा इस लेलिन रोड एरिया में वो पहला हाथ होता है उस गरीब के पास हाथ उठाकर देने के लिए। ऐसा बाबा आप क्या कहेंगे राजा भाई के बारे में? राजा भाई के बारे में क्या राजा काम कर रहे हैं? हाँ, राजा भाई के बारे में तारीफ करेंगे कि अपने रोड में लेलिन रोड में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? अमी बोलबो राजा भाई शुद्ध राजा नय, उन्हीं दिलेर राजा, चेहरा ओ राजा, उन्हीं मानुषर पूरे इलाकार मानुषर जन उन्हीं राजा। सर क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो ब्लड बैंक का जो काम चल रहा है सर, शेख राजा के मौजूदगी में क्या कहना चाहेंगे सर? कितनी खुशी महसूस हो रही सर? आज के जो प्रोग्राम का जो होच्छे, आज के एमन एक प्रोग्राम, हमरा ममता बंदोपाध्याय सैनिक एवं तार ही नेतृत्व आज के पश्चिम बांगलार विभिन्न राज्य विभिन्न ब्लके विभिन्न जगह आज के विभिन्न समाजसेवामूलक काजेर माध्यमे आज के प्रोग्रामगुलोके करी। ब्लाड डोनेशन रक्तदान शिविर एमन एक महत् काज, एमन एक तार परिकल्पना, से ही परिकल्पनाते आज के अंचले सवार प्रिय राजा मोल्लार मान नेतृत्व आज के राजा मोल्लार नेतृत्व आज के एमन एक विशिष्ट प्रोग्राम आज एखे मजूद जे करा तार प्रथम आगे राजा मोल्ला एवं तार विभिन्न जरा सहयोगी सबार नाम आमी आलादा करे बोलबो ना, शुधु ताई नय जरा आज के रक्त दान करते एसेछे बा जरा एमनि एखाने गेस्ट हिसाबे एसेछे सबाइके आमी आमार आंतरिक शुभेच्छा एवं तृणमूल कांग्रेसेर पक्ष थेके आंतरिक शुभेच्छा जानाई। सर क्या कहना चाहेंगे राजा भाई? एक बात फिनिशिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे राजा भाई? जिस तरह से लोगों का तादाद आप देखेंगे, नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों की एक अच्छी खासी तादाद महिला भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे, महिला से भी बात करेंगे हम लोग, महिला से भी बात करेंगे। मैम कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग यहाँ पर आकर? केमन फील करछेन आपनी जे शेख राजा काज करछे जे बड़ा डोनेशन कैम लागिए के? हां আমাদের তো খুবই ভালো লাগছে যে এরকম রাজা দাই এরকম একটা ভালো কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে, আমাদের খুব খুশি, আমাদেরও ইনভাইট করেছেন তাই আমরাও এসেছি, আমরাও যদি পারি তা আমরাও একটু চেষ্টা করব, রক্ত যদি আমাদেরও কাজে লাগে আমরাও দেব। রাজা দা খুব ভালো কাজ করছে? হ্যাঁ ভালো কাজই তো হচ্ছে, মানুষ পাবে এই কারোর দরকার থাকলে তারা তো পেতে পারবে এইগুলো জিনিসগুলো। এইটার জন্য আমরাও মানে রাজাদার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এসেছি এখানে, আমরাও রক্ত দেব। ঠিক আছে, তো নাজরীন আপনি দেখ রহে হ্যায় গ্রাউন্ড জিরো, বলিয়ে ক্যা বলনা চাহেঙ্গে আপ? রাজা ভাই এছাড়াও শীতকালে গরিবদের কম্বল এবং দুর্গম সময় কাপড় চোপড় দিয়েও থাকেন এলাকার যারা দুস্থ, এজন্য রাজা ভাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। রক্তদান ছাড়া এবং এলাকার উন্নয়নমূলক গরিবদের স্বার্থে উপকার করেন। तो नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और ये हमारे हैं शेख राजा साहब। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो ब्लड डोनेशन कैंप राजा भाई की तरफ से वार्ड नंबर 140 में किया गया? राजा भाई की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, इससे ये साबित होता है कि समाज को किस तरह अग्रसर बनाया जाए, समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए जिस तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम निर्धारित किया है और ये आयोजित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन दान, रक्तदान का तात्पर्य जीवन दान से है, और जिस प्रकार से राजा भाई समाज के कर्मठी लोगों के साथ मिलकर आज जो व्यवस्था ये कायम करना चाह रहे हैं ये अपने आप में एक मिसाल है। सर क्या कहेंगे? लोग बता रहे हैं कि राजा भाई से काम से हम लोग बहुत खुश हैं वार्ड के लोग, तो ये जब लोग बोलते हैं ये लाइन कि राजा भाई अच्छा काम करें, तो आपको कितना इंस्पिरेशन मिलता है सर इन लोगों से? लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत जो हमको ये रास्ता में जगह दिया। ठीक है, सब मिलकर मेरा साथ है, सब माने जितना लेडीज़ कर्मी है, जेंट्स है, सबका उद्योग है, वो सब लेके हम आगे बढ़ रहा, सब मेरा साथी है, हमेशा रहेगा ये लोग, और ये लोग का हम बहुत बड़ा शुक्रिया जानते हैं टीएमसी पार्टी का तरफ से, जो हम लोग का ही सब साथ में है, सब मेरा भाई लोग, थोड़ा थोड़ा भाई है बड़ा है, सब मिल के मेरा साथ में ऑर्गेनाइज करने में मेरा साथ में भागा दौड़ कर रहा, बहुत मेहनत कर रहा है ये लोग। तो नाजरीन क्या बोलना चाहेंगे सर आप? एक्चुअली आई वॉन्ट टू से अबाउट राजा भाई, बिकॉज एज ए सोशल पर्सन और एज ए सोशल बींग ही इज जस्ट प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल टू ऑर्गेनाइज द पीपल एज इट हैज बीन सीन इन द वार्ड नंबर 141 अंडर द लीडरशिप ऑफ द एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला। मिस्टर राजा इज डूइंग वर्क द सोशल वर्क, नॉट
on up level and from ground zero level. So what do you want to say now? Actually not, it's a matter of level. It's a matter of people as a whole. So he is making effort, a great effort, and to a great extent. It's a very evolvent, you can say, and very agilent, because the people who are organized here under the leadership of Rajabhai is utmost a very potentiality, a matter of potentiality, and he has the capacity. Only this guy have the capacity to organize the people as a whole, and he's doing well. For the performance is most better and not at all we can do anything for them. तो नाज़रीन आप देख रहे हैं ये जो वार्ड नंबर 141 के लोगों के तासुरात हैं कि राजा भाई के काम से बहुत मुतासिर हैं. आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया. Skin glows in two ways, A using filters or B water. Bahamas, feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल. खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की. UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियाँ बांटे. उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स, आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के. वी कैन गिव यू द फ्रेश वन और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे. प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून.